नवरात्रि आज शुरू हुई, कितने लोग दीपक जलाते हैं? नौ दिन जरूर दीपक जलाते हैं। कितने दिन? नौ दिन। आप जिसको भी जलाते हैं, मैं आप किसको दीपक जला रहे हैं वो सुधारने नहीं आया हूँ, दीपक की व्यवस्था सुधारना। आप जिसको दीपक जला रहे हो उसी को जलाओ। मैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने आपको नहीं आया हूँ, आपकी आराधना को श्रेष्ठ बनाने आया, समझ रहे हो? मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी इष्ट पद्मावती, आप पद्मावती की पूजा करो, वो मेरी इष्ट है, लेकिन आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो उस पूजा को व्यवस्थित करो। मैं ये बोलने के लिए यहाँ जलंधर में आया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नौ दिन आप लोग आज शाम को आप घर जाओगे, कौन कौन घर जाओगे, कौन गलियों में फिरते रहोगे? तो घर जाके जब दीपक जलाओगे ना, आज से नौ दिन मिट्टी का नया नया दीपक जलाना, नौ मिट्टी का दीपक ले लो, नौ दिन जलाना। मेरे घर में तो नहीं जला रहे हो, आपके घर में ही जला रहे हो ना, तो आपके लिए आप इतना तो खर्च करो, एक मिट्टी का दिया ले लो, उसको पहले पानी में भिगो, उसको छाया में सुखाना, समझे? तो इस पानी में भिगोने के पहले उसमें थोड़ा हल्दी डाल देना उस पानी। क्या करना? थोड़ा सा एक भगोना जितना पानी ले लो उसमें हल्दी डाल, हल्दी डालने के बाद इसमें वो दीपकों डाल दो। अब ये दीपक पानी को सोखेगा तो वो हल्दी के कणों को भी खींच लेगा साथ, खींच लिया तो अब आपका दीपक हो गया लक्ष्मी दीपक। क्या दीपक? लक्ष्मी दीपक। क्योंकि हल्दी किसका है? मैं ऊपर से हल्दी लगाऊं तो वो ऊपर ही लगा रहेगा, लेकिन जब पानी को दीपक खींचेगा अंदर के कोने कोने तक वो हल्दी क्या हो जाएगा? सोख लेगा। किस किस को लक्ष्मी चाहिए वो ये करो, किस किस को दरिद्र रहना उनको ये करने की जरूरत ही नहीं, वो दरिद्र बने रहो। मैं आपको नहीं बोल रहा, जिसको करने की इच्छा नहीं उनको बोल रहा। छोटा सा दिया लेना है, कितना? देखो इधर पूजा के दुकान, मैंने कल गया था जैन मंदिर तो देखा कि पूजा की दुकानें रास्ते में है, लेकिन यहाँ के दुकानों में मेरे को वो चीजें मिलती नहीं दिख रही है जो दक्षिण में मिलती है। फिर भी आप पूछ के देखना कि कमल नाल की रुई मिलती है क्या? पूछो क्या सुन लो मेरी बात, मिले नहीं मिले वो आपकी कहानी है। अगर कमलनाल की रुई मिले उसकी बत्ती करके दिवाली में, तो अभी दिवाली के बहुत दिन है, अभी से एक ऑनलाइन में कहीं से भी रुई मंगा के रख लिया करो। दिवाली के धनतेरस, काली चौदस और अमावस के तीन दिन तो आप लोग जो हमारे थॉट योगा से जुड़े हो वो सब भक्त दिवाली के तीन दिन तो कमलनाल की रुई से ही बत्ती से दिया करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी दिवाली आएगा 4 महीने बाद, जब तक तो आप कुछ भी कर मंगा सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो, मंगा के रख लो। लेकिन अब देखो आज क्या करना है, अगर कमलनाथ की रुई नहीं मिले तो पीली डोरे की रुई बना लेनी है, पीला डोरा कॉटन का, कॉटन का पीला डोरा आता है ना थ्रेड, उसका बत्ती बना लो, थोड़ा आपकी बत्ती के साइज का डोरे से ही बत्ती बना लो, पीले डोरे से, समझा? इसमें शुद्ध गाय का देसी घी डाल, क्या डालना? गाय का देसी घी। घी डालते समय श्रीम 12 बार बोलना, क्या बोलना? घी डालते समय पहले हमने दिया लिया, दिए को हल्दी के पानी में रख दिया, पानी से उठा दिया और छाया में सुखाया, धूप में नहीं रखना, छाया में लगा के पूरा सूख गया, कम से कम 2-3 घंटा सूखना चाहिए। आज अगर टाइम नहीं मिला तो जल्दी करके बना लो, क्योंकि वो गीला रहेगा तो फिर वो घी में पानी मिलके चढ़-चढ़ करेगा दीप। कल सुबह ही करके रख लो, रोज करना, एक दिए का रोज करना, पहले ही 10 दिन पहले करके नहीं रखना, रोज के रोज करना, क्योंकि वो हल्दी ताजी होगी तो वो जो दिया जलता है ये लक्ष्मी देवी की शक्ति को घर में खींच के लाए। हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा आश्रम बनाऊं, तो आप लोग सब लक्ष्मी की कृपा से भरपूर हो जाओगे
तो जल्दी एक आश्रम खड़ा हो करना। पहले ही 10 दिन पहले करके नहीं रखना, रोज के रोज करना, क्योंकि वो हल्दी ताजी होगी तो वो जो दिया जलता है ये लक्ष्मी देवी की शक्ति को घर में खींच के लाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा आश्रम बनाऊं, तो आप लोग सब लक्ष्मी की कृपा से भरपूर हो जाओगे, तो जल्दी एक आश्रम खड़ा हो। वो उसमें क्या है कि वो हल्दी निकल जाए, वो वापस सफेद हो जाए, बहुत मुश्किल है, थोड़ा होना मुश्किल है, टाइम नहीं है ना अपने पास। पीला जो डोरा मिलता है ना आपका स्टिचिंग, कॉटन डोरा, पीला डोरा जो कॉटन का होना, कॉटन नहीं, जो जलने वाला पीला डोरा दुकान में ले लो, रोली मिल जाती है पीले कलर की, पीली रोली लेके दिया बत्ती बना लो, पीली रोली वो तो दुकानों में मिलती है पीली, बच्चा होशियार है। अभी मेरी बात पूरी सुन लो, पहले क्या करना बताओ, फिर क्या करना, छाया में सुखाना है, फिर क्या करना, फिर क्या करना, अब आपके घर में किसी भी दिशा में भगवान हो, वो अभी है, उनको तो हम बतला नहीं सकते, लेकिन दिए की बत्ती जो है पूर्व मुखी जलनी चाहिए, वो कहीं भी हो आपके घर में देवता, वो दिया मेरे भगवान के सामने नहीं जल रहा है वो सब मत सोचो, वो उल्टा भी जलेगा तो भी वो तो जाएगा भगवान को, आपको जाने वाला नहीं, पूर्व मुखी रखना है। रख के जलाते समय श्वास को अंदर खींचते हुए जलाना, ये एक सदा दिया जलाते समय ध्यान रखना, कभी भी दिया जलाते हो जब अपन एक बार श्वास छोड़ते हैं एक बार श्वास लेते हैं, ये होता है कि नहीं, तो जब श्वास लेते हैं जब श्वास छोड़ते हैं तब दिया नहीं जलाना कभी भी, जब श्वास छोड़ रहे हैं देख रहे हैं कि श्वास छूट रहा है तो वापस लेते समय दिया जलाते, दिया जलते समय हमारा श्वास अंतर्मुखी होना चाहिए, यानी वो देव शक्ति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अगर श्वास छोड़ रहे हो तो विसर्जन करते समय छोड़ना, जब गणपति विसर्जन कर रहे हो, दुर्गा विसर्जन कर रहे हो, कह रहे हो माँ आप अपने स्थान में जाइए, गणपति का विसर्जन करते हो ना, उस समय श्वास छूटते समय वो करना, आगत कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, आवाहन कर रहे हो तो आते समय करना, कैसे करना, श्वास आ रहा है तो शक्ति आ रही है, श्वास निकल गया तो शक्ति निकल रही है। अभी अपन बोले किसी के लिए कि इनका श्वास निकल गया, यानी क्या हुआ, शक्ति क्या, राम नाम, तो श्वास में ही सब खेल है, श्वास हंसो हंसो तुम्हारी कहाँ से आई, जम्मू से, जम्मू तो ठंडी जगह है, कश्मीर वो ठंडा है, सब ठंडी जगह में इतने इतने गर्म क्यों आ रहे हैं, ठंडी जगह, देखो ये विशेषता है, आप ध्यान रखो गर्मी के दिनों में कटहल उगता है, प्रभु की लीला देखो, हमारा संयम रखने के लिए गर्मी में ही कटहल आता है, कटहल बहुत गर्मी करता है, बरसात के दिन में सीताफल आता है और सीताफल बहुत ठंडा करता है, पहले ही बरसात ठंडी उसमें सीताफल क्यों, भगवान को गर्मी में सीताफल देनी चाहिए थी, ठंड में कटहल देना चाहिए था, फिर इतना खाते कि आपको मलेरिया टाइफाइड आ जाता, इसलिए प्रभु देखे कि भाई इसके जीवन को संयम देने के लिए ऐसे ही दिनों में ये चीज बनाओ, ताकि डॉक्टर भी बोले कि इतनी गर्मी में कम खाओ, इतने ठंड सर्दी में देखो सीताफल खाया जुकाम हो गया, होता है कि नहीं, क्यों जुकाम होता है, गर्मी में खाएं तो कोई जुकाम होगा, वो आता ही ठंड में, इसलिए जुकाम भी आता है, तो भगवान की लीला है, हम भगवान को मालूम है मनुष्य संयम में नहीं रहेगा, मुझे ही सृष्टि को ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि वो लिमिट में रहे इंसान,